पटिच्च समुत्पाद में एक शब्द बार बार आएगा, भव चक्र। भव माने तो मैंने बताया था कि निज को, स्वयं को, जैसे मैं खुद हूँ तो मैं भव हूँ, और चक्र का मतलब है सर्कल या साइकिल। चक्र का मतलब है कि जीवन का चक्र, यानी कि मेरे पैदा होने का और मरने का जो चक्र है उसको बोलते हैं भव चक्र। भव चक्र यहाँ बार बार आएगा, इसको जन्म चक्र बोलते हैं, जाति चक्र बोलते हैं, बर्थ चक्र बोलते हैं, या इसको हम जीवन चक्र भी बोलते हैं। ये लगातार आएगा क्योंकि आपने सुना होगा कि मनुष्य या जीव जितने भी हैं वो भव चक्र में फंसे हुए हैं। उस थ्योरी के आधार पर यहाँ भव चक्र शब्द बार बार इस्तेमाल होगा। भव चक्र का मतलब है कि जो अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें और एक मोबाइल की बात करें तो उसको समझाने में आसानी रहेगी। जैसे आपके अंदर आज एक हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल आज की डेट में स्मार्टफोन है, मगर आप अगर इस मोबाइल के 10 साल पहले के वर्जन में जाएंगे तो वहाँ इसमें स्क्रीन जो इसकी है वो छोटी हो जाएगी, फिर बहुत छोटी हो जाएगी, और इसमें सिर्फ वॉइस ट्रांसफ़र होगी। अभी तो इसमें बहुत कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका जो पुराना वर्जन था वो बहुत छोटा था और बहुत हल्का था, उसमें जो बाइट्स थी उसमें बहुत कम थी, किलोबाइट्स थी, और जब इसका नेक्स्ट वर्जन आया तो किलोबाइट से वो मेगाबाइट हो गया, और मेगाबाइट के आने के बाद ये गीगाबाइट हो गया, और गीगाबाइट के आने के बाद वो ट्रिलियन यानी टीबी में आ जाएगा, और उसके बाद भी आगे बढ़ेगा। तो ये जितनी भी वर्जन हैं इस कंप्यूटर के और मोबाइल के, वो वर्जन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ है उसके जीवन का जो ये वर्जन है ये उसका अब का है, इसके बाद उसका जो वर्जन आएगा वो अलग आएगा, और इससे पहले जो वर्जन था वो अलग ही है, क्योंकि मनुष्य लगातार अलग अलग वर्जन में पैदा होता है। तो भव चक्र जो है वो जीवन मरण का है, मगर यहाँ सेम बर्थ नहीं है, यानी नेक्स्ट बर्थ तो है वर्जन में मगर सेम बर्थ नहीं है, यानी पुनर्जन्म नहीं है, अगला जन्म है, क्योंकि अगला जन्म तो चलेगा, अगर मनुष्य अगले जन्म में नहीं आएगा तो पिछला जन्म भी उसका माना नहीं जाएगा। पिछला जन्म अगर हुआ है तो अगला जन्म, पिछला जन्म कैसे मानते हैं, क्योंकि जहाँ से वो मनुष्य चलता है उसका कोई ना कोई वर्जन रहा होगा, इसलिए आगे उसका जो वर्जन चल रहा है आगे नेक्स्ट वर्जन कुछ ना कुछ आता है, इसको भव चक्र बोलते हैं। आगे जब मैं प्रत्यय समुत्पाद आपको बताऊंगा तो इसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कि भव चक्र का और नेक्स्ट बर्थ का मीनिंग क्या होता है और क्या समझाया और वो साइंटिफिक वे में क्या है और कैसे उसको साइंस प्रूव करता है, कैसे आइंस्टाइन ने भी माना कि ये जीवन चक्र बिल्कुल ठीक बताया गया है, दुनिया कैसे मानती है कि ये भव चक्र बिल्कुल ठीक बताया गया है, नेक्स्ट बर्थ बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद।